हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी सेवा बीएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि मैं कोई ना कोई वीडियो लेके आता रहता हूँ बैंकिंग लाइन के ऊपर, तो आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो हूँ HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर लेके आया हूँ। तो ये कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से ये हमको मिलेगा, सिंपल सा एक तरीका है, वो सभी को नहीं मिल रहा बट मिल भी रहा है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, हमको जाना होगा अपने पेटीएम ऐप के अंदर। पेटीएम ऐप के अंदर जाने से उसके बाद हमको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, यहाँ पे पासबुक, पेटीएम बैंक, पेटीएम वॉलेट, पर्सनल लोन। इसको थोड़ा सा आप स्लाइड करोगे ना तो यहाँ पे कार्ड्स का भी ऑप्शन आ जाएगा, कई बार तो ऊपर भी सीधा शो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कार्ड्स वाले जहाँ पे लिखा हो क्रेडिट कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा सिंपली इस तरीके से। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप एलिजिबल होगे तो ठीक है, बट मैंने यहाँ पे पहले से अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि इस तरीके का कार्ड है, ठीक है। इसके आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, 3% का कैशबैक है ट्रैवल के ऊपर, और यहाँ पे कौन कौन से कार्ड कैसे मिलेंगे, क्या इसका बेनिफिट होगा, किस तरीके से, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सारे का सारा। यहाँ पे फिलहाल जो हमारे वो कार्ड हैं वो है ये वाले, 1, 2, 3, 4, 5 तरह के क्रेडिट कार्ड हैं जो HDFC के साथ मिलके जो हमारा पेटीएम है वो ये कार्ड इशू कर रहा है। सबसे पहला है वो है HDFC का 500 वाला कार्ड, ठीक है, जो नॉर्मली बिजनेस क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, ये वाला कार्ड। और सेकंड नंबर पे 1000 वाला, बट ये तो बहुत कम लोगों को मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा अभी डिमांड में है कह सकते हो, जो फेमस है, वो तो फिलहाल ये वाला चल रहा है जहाँ पे लिखा है 49 वाला, ये कार्ड है, यही सबको मिल रहा है। और इसकी लिमिट तकरीबन सबको 90,000 से लेकर लाख रुपए तक इसका लिमिट सबको इशू किया जा रहा है। ये नहीं कि 30-40 हज़ार का लिमिट नहीं इसकी दी जा रही, इसकी काफ़ी ज़्यादा लिमिट मिल रही है सबको। इसका थोड़ा सा बेनिफिट बता देता हूँ कि HDFC व्हाट इज़ द पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड। ये तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल बात है कि HDFC के साथ मिलकर इन्होंने ये क्रेडिट कार्ड इशू किया है, और इसका पार्टनर है जो HDFC है, ठीक है, वो जो ऑफर करता है वो है पेटीएम। चलिए ये सिंपल बात हो गई। इसका पिन है जो कैसे जनरेट होगा, सॉरी आवाज़ आ रही क्योंकि मेरा शॉप है जो वो रोड पे है, इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे हमारा इसका जनरेट है जो पिन जनरेट कैसे होगा। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, आपको पता ही है कि यहाँ पे या तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, और ATM के थ्रू इसका आप पिन जनरेट कर सकते हो। इन्होंने बोला है कि क्रेडिट कार्ड को कैसे हम एक्टिवेट करें, तो वो भी सिंपल बात है। ये तो चलिए इसके हो गया सिंपल, जो हमें पता ही होता है कि किस तरीके से इसके बेनिफिट लिखे हुए हैं। यहाँ पे बेनिफिट दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे जो इसके मेन बेनिफिट इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं वो है पेटीएम का HDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमको एक तो जो हमारा 1 ईयर का मेम्बरशिप मिलेगा फर्स्ट पेटीएम फर्स्ट के ऊपर। दूसरे नंबर पे है 3% कैशबैक मिलेगा पेटीएम मॉल के ऊपर, मूवीज ट्रैवल बुक करोगे तो 2% कैशबैक मिलेगा अदर पेटीएम स्पेंड्स के ऊपर, और 1% अनलिमिटेड कैशबैक है, जो जब भी आप इसको अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे कहीं भी तो 1% आपको मिलेगा। बट हाँ एक इसमें कंडीशन है कि अगर आप पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड से कहीं पे कोई वॉलेट लोड करते हो या फिर आप कुछ भी बिल पेमेंट जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ कि HDFC का कोई EMI स्पेंड करते हो तो वहाँ पे आपको ये जो नहीं मिलेगा इसका कैशबैक है 1% का, ठीक है, ये इन्होंने खास तौर पे लिखा हुआ। और हाँ इसमें एक बात हो रहा है कि अगर आपको आपका कार्ड का फ्रॉड हो जाता है तो 3 लाख तक का कवर आपको मिल सकता है कभी भी, ठीक है। यहाँ पे इसका 50 डेज का फ्री इंटरेस्ट पीरियड मिलता है आपको, वो तो अच्छी बात है। और यहाँ पे लिखा हुआ कैशबैक कैसे हम अर्न कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, यहाँ पे 3% का कैशबैक जो स्पेंड होगा EMI स्पेंड्स विच ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड पेटीएम गिफ्ट वाउचर। यहाँ पे आपको दो रूप से यहाँ पे मिल जाएगा, या तो पेटीएम गिफ्ट वाउचर के रूप में मिल जाएगा या फिर आपके डायरेक्ट आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर आपका पैसे जो होंगे वो जमा हो जाएंगे। और द कैशबैक इज नॉट एप्लीकेबल ऑन वॉलेट लोड, यानी कि आप वॉलेट को लोड करोगे या फिर आप तेल भरवाओगे तो वहाँ पे आप कैशबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि तेल वगैरह बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और वहाँ से काफ़ी लोग काफ़ी पैसों का तेल डलवा लेते हैं, तो भाई ये उस पर कैशबैक नहीं देंगे भाई। ये चलो इनका मेरे को सही नहीं लगा सिस्टम। यहाँ पे इन्होंने बोला है कस्टमर को अर्न 1200 कैशबैक अच्छा, इसका मतलब कि ये आप ये बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर आप 1200 रुपये तक का कैशबैक कमा सकते हो, ठीक है। एक अगर आप 10,000 से ऊपर इसको यूज़ कर लेते हो
तो आपको हर एक जगह पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। मान के चलिए कि पर मंथ आपको 100 रुपए तक का कैशबैक मिलता रहेगा। मान के चलिए 1200 हो गया, तो 1200 बन गया एक साल का, ठीक है। ये इसका हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ कि हाउ डू आई गेट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। सिंपल बात है, ये तो हमारी जो ईमेल आईडी होती है उस पर सेंड कर दिया जाता है। ये सिंपल बात है। और यहाँ पे आप वेबसाइट के थ्रू भी आपको देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने एनुअल फीस और पेटीएम, इस पे थोड़ा सा मेरे को लोचा लगा। ये देखो, इन्होंने जब ये शो करते हैं ना, यहाँ पे ऑफर शो करते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 0 ज्वाइनिंग फीस, ठीक है, और टोटल फ्री, ऐसा कुछ शो होता है जो सैंपल शो होता है। बट हम जब इसको अप्लाई कर देते हो उसके बाद हमें ये फीस पता चलती है। इन्होंने लिखा हुआ है कि ये मंथली फीस 49 प्लस GST 18, मान के चलिए तकरीबन 57 के लगभग इसका जो रेट बन जाता है। मान के चलिए 57 रुपीज आपको हर मंथ के आप इसको यूज ना भी करो, मान के चलिए 90,000 का लिमिट मिला, आप वैसे का वैसा इसको रखोगे, तो उसके बाद भी आपको ये तकरीबन इतना इसका चार्जेस है जो पड़ने वाला ही है। तो इसलिए आपको पहले ये देख लेना। अगर हाँ, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप हर मंथ 5,000 का ऊपर का इससे स्पेंड कर लेते हो तो आपको ये चार्जेस नहीं लगेगा, मान के टोटली फ्री हो जाता है फिर तो ये, ठीक है, साल का साल फ्री रहेगा आपको अगर हर मंथ आप इससे कुछ ना कुछ कर देते हो तो। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने बिल पेमेंट सेंड मंथली बेसिस ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल, जो भी आपका बिल होगा वो आपके ईमेल के ऊपर भी सेंड हो जाएगा मंथली, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने हाउ विल पेटीएम HDFC का जो बिल होगा कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा कि जो हमारी HDFC वाला क्रेडिट कार्ड है, इसका जो पेटीएम का ऐप है उसके थ्रू भी हम इसका बिल भुगतान कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे बाकी तो चलो ऐसा जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट व्हाट इज फ्यूल सरचार्ज, जो मेन चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फ्यूल सरचार्जेस इज द मीन डीजल पेट्रोल फ्यूल चार्ज 1% बिटवीन 400 रुपीज। अच्छा, इसमें लिखा कि अगर आप 400 के ऊपर का पेट्रोल भरवाते हो और 2000 रुपये के मैक्सिमम 2000 रुपये तक का, तो आपको 250 रुपये तक का जो फ्यूल चार्जेस है वो आपको उसमें 1% कम हो जाएगा सर चार्जेस, क्योंकि आपको पता कि इसमें क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस लगते हैं हमें, तो इस बात का आप ध्यान रख लेना। और बाकी तो चलिए ये तो कुछ नहीं है। और इसको अप्लाई किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है भाई, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये जब मैंने अप्लाई किया था, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया था, जब भी अप्लाई किया था मैंने किया था 11 जुलाई को रात को 9:03 पर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे को बोल दिया था कि हाय बलविंदर, योर कार्ड एक्टिवेटेड, सब्जेक्ट फर्दर बैंक वेरिफिकेशन, और विद इन 3 से 5 दिन के अंदर आपका जो वेरिफिकेशन वो हो जाएगा। बट मेरे को तकरीबन इन्होंने कॉल किया था 8-10 दिन के बाद ही कॉल किया मेरे हिसाब से, हाँ 9 दिन के बाद कॉल किया था इन्होंने मेरे को। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं घर पे हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो इन्होंने ये घर पे आकर मेरा मेन फ्रंट गेट का इन्होंने फोटो लिया है मेरे घर का, और उसके बाद वो चले गए। यहाँ पे मेरे को कार्ड जो यहाँ पे ये सिस्टम था ये अप टू 3-5 डेज तक ऐसे ही रहता है, और ये कल रात सीधा डायरेक्ट कार्ड ही शो होने लग गया मेरे वहाँ पे पेटीएम पे ऊपर, ठीक है। ऐसे आपको आपके भी ऐसे ही शो होगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो इसलिए मैं उसको शो नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कार्ड एप्लीकेशन नंबर इतना अप्रूव्ड, विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यानी कि मेरे को शो कर दिया है, ठीक है। ये मेरे को मैसेज आया था रात 12:55 के ऊपर, ये मेरे को मैसेज मिला रात। तो इसका मेरे को जो डिलीवरी का जो इसका मिलेगा मेरे को 3 दिन के अंदर ये मेरे को फिजिकल कार्ड मिल जाएगा। जब मेरे को मिलेगा तो मैं आपको उसका वीडियो बना के दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग करके। तो ये कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं। तो यहाँ पे आप मेरे को मैसेज करते हो, कमेंट कर सकते हो। तो आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।